पेंशन न मिलने से किस प्रकार एक शिक्षक के परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ पड़ा है, देखते हैं यह खबर। राज्य सरकारी कर्मचारी की जूनी पेंशन संघर्ष यात्रा बीते दिनों मुंबई से चंद्रपुर आई थी। गौरतलब है अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकारी कर्मचारी अब काफी आक्रामक हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर जिले के एक मृतक शिक्षक के परिवार पर पेंशन न मिलने से आर्थिक संकट आने की बात सामने आई है। चंद्रपुर जिला परिषद की सेवा में शिक्षक रहे और प्रतापपुर तहसील के विशापुर में अंतिम नियुक्ति पर रहे कन्हैया कायरकर शिक्षक सेवा काल के बाद 2000 के बाद नियमित सेवा में आए और उनकी कोरोना काल में दुखद मृत्यु हो गई। वही 2005 के बाद सेवा में आए हुए कर्मचारियों को NPS योजना लागू हुई है, जिसके कारण कार्यकर परिवार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक न उन्हें पेंशन मिल रही है और न ही सानुग्रह अनुदान और न ही किसी प्रकार का कोई लाभ। इस परिवार में वृद्ध माता पिता के साथ मृतक की पत्नी और दो बच्चे हैं। घर का आधार चले जाने से इस घर पर आर्थिक संकट आ पड़ा है। तो सुनिए इस संदर्भ में कन्हैया कार्यकर की पत्नी अश्विनी कार्यकर ने क्या कहा स्वयं उनकी जुबानी। 21 ला निधन झालं, त्यांच्या निधनानंतर मला एकही शासनाकडून लाभ मिळाला नाही। तरी मला तसेच मी जिल्हा परिषद मध्ये तसेच पंचायत समिती मध्ये सगळं प्रस्ताव मांडला अनुकंपाचा आणि सानुग्रहाचा, तरी मला एकही रुपयाचा लाभ मिळाला नाही। तसेच मयत सानुग्रहाचे 15,000 रुपये सुद्धा मिळाले नाही। आणि 2005 नंतर जी पेन्शन योजना बंद झाली, तरी मी या मुलांचा मी उदरनिर्वाह कसा करणार। साथ ही कन्हैया कायरकर की माता ने भी विलखते हुए अपना दर्द व्यक्त किया। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव कायरकर की रिपोर्ट। महीने से पैसे पाठत राया मले महीने आस्था मध्य आला तो सब ऑक्सीजन होता चांगला चालत आला होता माझा पोरगा बिना ऑक्सीजन सगड़ा भावावर सगड़ा आई वडिलांवर सगड़ा वर प्रेम करत होता।